कल योगेश्वर कृष्ण का जन्म हुआ है। कथा में दसम स्कंद का प्रवेश हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, हे गुरुदेव, आप अब आगे की कथा बताइए। जब भगवान योगेश्वर कृष्ण हमारे परम पूजनीय भगवान नंद बाबा के घर जन्मे आए, तो नंद बाबा ने क्या क्या किया बताइए, कृपया विस्तार से बताइए। क्योंकि राम जी का आपने चरित्र तो गाया, आपने कहा कि भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब समय आरती कराएंगे। अपना मजबूती से पैर मोड़कर बड़े भाव से बैठिए। परीक्षित ने कहा कि 2 अवतार मुख्य रहे, राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम कथा में भगवान की कथा आपने सुनाया, लेकिन भागवत कथा में अर्थात कृष्ण का जन्म होने के पश्चात क्या क्या हुआ, कृपया बताइए। मैं बाल लीला सुनना चाहता हूँ। तब 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 सुखदेव जी ने कहा कि श्लोक गया है क्या, कि नंद सखा प्रिय उत्पन्न जाता का प्रादुर्भाव हुआ गांव में, जानकारी हुई तो नंद बाबा क्या किए, पितृदेव चनन कुर्या, पितृ देवताओं को प्रणाम किया है, पिंड दान किया है, तर्क किया है। उसके बाद क्या किया है, देवार्चनम गुरु तथा देवार्चन किया, बाबा विश्वनाथ महादेव का अभिषेक किया है। उसके बाद स्वस्तयनम विद्वानम पाठयित्वा, स्वस्तयन का पाठ कराया। जैसे आपके गांव में हमारे विद्वान वर्ग करते हैं, कैसे स्वस्तेन स्वस्तिन को सुन लेने से पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति का, जिसके कान तक यह शांति पाठ चला जाए। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, स्वस्तिन में स्वस्तिन में आया है भद्रंकरणे भी शिडुयाम देवा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे श्रोता हैं आप लोग, अच्छे भक्त हैं। भद्रंकरणे भी शिडुयाम देवा था देव महादेव पूरे समाज की रक्षा करें, कभी भी गांव में अकाल मृत्यु न हो, सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। उसके बाद ब्राह्मणों को दिव्य दान दिया, दक्षिणा प्रदान किया, गांव वासियों को, सेवक जनों को खूब दान उद्दान बाबा ने लुटाया नंद बाबा ने। क्योंकि 60 वर्ष से ऊपर आयु है, उस समय अगर किसी को पुत्र होगा माता जी लोग तो खूब खुशी होगी। उस समय छोड़िए, लड़की अगर विवाह करके आती है, पहला पुत्र होता है तो खूब मिठाई बनती है। अब कहीं भाग्य से एक ठो कन्या जन्म ले ली, कन्या जन्म ले ली तो क्या होगा, सासू माँ का मुंह सबसे पहले लटक जाएगा। ये सत्य घटना है, भागवत में कहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, अगर किसी घर पुत्र पैदा होगा कलयुग में, भले ही वहां के अत्याचारी पापाचारी दुराचारी निकल जाए, धुंधकारी बन जाए, 100 लड़कों में एक ही रामकृष्ण बनते हैं, एक ही भगत सिंह बनते हैं, एक ही यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष आपके यहां बन सकते हैं जो पुजारी जी हैं, एक ही शैल बिहारी सिंह बन सकते हैं, संजय जी और हमारे संचालक जी बन सकते हैं। कहते हैं कि अगर जब जन्म किसी कन्या का हो जाता है ना, तो सासू माँ का मुंह लटक जाता है। जाएंगे गांव वालों को बुलाने गाने के लिए, सोहर, अरे क्या बताए, बिटिया, आपको यहाँ बिटिया को क्या बोलते हैं, मैया,
मैया हो गई बा। अब बताइए, अब वही अगर बेटा हो जाए महाराज तो बेटे को क्या बोलते हैं? बाबू, बाबू भी बड़ा बड़ा। अब वो बाबू मैया तब भी यहाँ तो ठीक है महाराज, और जगह हो जाए महाराज सास। मैं एक जगह गांव में गया, संजोग से जिसके घर में रुका था उसी के घर एक कन्या पैदा हो गई। तो माता जी सासू माँ कहीं रोने लगे, हम कहे क्या हुआ माता जी? उन्होंने कहा क्या बताएं बाबा, बहू को बड़ा सोचे थे, बड़ा सोचे थे कि सतुरा बांटेंगे, हल्दी गुड़ बांटेंगे, पंडित जी लोग को खूब दान देंगे, हम सोचे थे कि आपको सोने की अंगूठी देंगे, लेकिन क्या करें लड़की मैया जन्म ले ली। हमके धन्य है महाराज, महाराज जनक ही नहीं हमारे शास्त्रों में वर्णित है महाराज, जो आप कश्यप ऋषि के वंशज हैं, गर्गाचार्य गर्ग संहिता में लिखते हैं कि बच्चे बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां भाग्यशाली व्यक्ति के नसीब में होती हैं, बेटियां सबको नसीब नहीं होती हैं। वह पिता माता भाग्यशाली है बंधुओं, जो कन्या दान कर दे, लाख धन भरा हो, दान हुए लाखों, यज्ञ करा लीजिए, जाप करा लीजिए, तप करा लीजिए, लेकिन दान हुए लाखों, सब दान भी करते हैं, पर कन्या दान जैसा कोई दान कहाँ होता। पता है बिटिया का बड़ा बड़ा है, जो उसके पास बिटिया ना हो वो अपने भाई के बेटी का कन्यादान करे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाए कदापि अपने को कमजोर मत समझना, बेटा भी आवश्यक है, लेकिन अगर बेटी है तो समान मानो, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही आपकी शान है, दोनों ही संतान है। प्रेम सुनिए दुर्गे मैया की, एक तरफ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में आप इनका पूजा करते हो नवरात्र में, फिर जाके वही बेटी को अपमानित करते हो। रात में 9 बजे अगर कोई बेटी आ जाएगी घर, बाहरी के काम से लेट हो जाएगा, तो गांव का हर एक व्यक्ति ध्यान से उसको देखेगा, लेकिन अगर कोई बेटा 12 बजे रात को आता है, घर में सो जाता है, कुछ भी खाया पिया है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बेटे से एक बार पूछे। बंधुओं मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भागवत की कथा कहती है कि यह मोक्ष के बाद में दिलाएगी, पर मोक्ष के बाद में दिलाएगी, लेकिन आपको संस्कारवान जरूर बना देगी। ध्यान दीजिए, महाराज शगर के 7,000 पुत्र थे, सब विनाश कर दिए, कुछ नहीं बचा, लेकिन इसी भागवत में एक कन्या ऐसी हुई, जब जब दुष्टों द्वारा जग में अरे बाढ़ो भारी अत्याचार, तब तब दुष्ट विनाशन खाकर आदि सत्य लीन होता। जब ब्रह्मा की लेखनी नहीं चलती, जहां विष्णु का अवतार नहीं चलता, जहां शिव का त्रिशूल नहीं चलता, वहां जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तु ते काली के रूप में विराजती है और अट्टहास करती है, महिषासुर से कहती है देश करके इस समय जयंती मंगला काली के रूप में हूं, यही स्त्री है। दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कि जो कन्याओं का पूजन करता है उसके घर में शुभ कार्य होता है। तो माताओं सबसे ज्यादा बेटियां यहां है, देख लीजिए, सबसे ज्यादा युवाओं को होना चाहिए, गांव के लड़कों को होना चाहिए। लड़के ठीक है, कुछ लोग नौकरी में होंगे, लेकिन और भी तो आ सकते हैं, नौकरी तो रोज होगी, लेकिन जो सबसे बड़े नौकरी है ये है, जीवन भर आदमी कमा ले कोई मतलब नहीं है। जब हमारी पुत्री पुत्र नाराज निकल जाएंगे महाराज तो सब बिगड़ जाएगा। पुत्रियों से मेरी एक सलाह है, आप लोग लीजिएगा हाथ जोड़ के, चूंकि बच्चियों ने बड़ा प्यार दिया है,
मैं जितना कहूँ वो कम है। आज के 5 साल पहले मैं चक्की बनाने आया, मैं यहाँ से जाने लगा होलकर की पावन बनी धरती से। मैं जब पार हुआ चौरा में भी चक्की हुई थी, जब मैं वहां सीमा की पार किया, मैंने चौरा रपुरा होलकर के विषय में सोचा। रपुरा में हमको विशिष्टतम मैं बताऊं, यहाँ की विषय जब मैं जाने लगा तो मेरे गुरु जी मेरी गाड़ी में सामने बैठे थे, सो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं आज सुबह बता रहा था आदरणीय श्री बसंत सिंह जी के से, गुरु जी के आग से अस्त्रपात हो गया। 5 साल पहले की बात है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। गुरु जी ने कहा, सौरभ जी आपने हमें इतना सम्मान दिया, मेरे 60 वर्ष के जीवन काल में मैं संस्कृत महाविद्यालय में रहा, कभी मुझे सम्मान नहीं मिला। सम्मान सिर्फ शिष्य आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। लेकिन धन्य है झारखंड की धरती रपुरा का गांव, जहाँ के लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया। शायद मैं दिल से आपको बता रहा हूँ जो गुरु जी ने कहा, कि शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूँ कि रपुरा के लोग, होलकर के लोग, चौरा आसपास के झारखंड के लोग जो आप लोग जानते हैं, जब भी बुलाएंगे आप जरूर आइएगा। हमने कहा गुरु जी आप भी मेरे साथ आएंगे। गुरु जी ने कहा कि ये तो भविष्य बताएगा। और सच में भगवान की कृपा है, 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई। संचालक जी देखे थे पंडित श्री राम ने शुक्ला जी को, हमारे गुरुदेव को, यही मंच पर वो बैठते थे हमारे साथ। कहने का मतलब गुरु जी नहीं रहे, लेकिन मैं रपुरा में क्यों भागवत कथा का आयोजन किया, आप लोग जानते हैं कार्यक्रम की कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। मैंने प्रेरित किया यहाँ के लोगों को कि यज्ञ कराइए। हमने कहा कि साउंड टेंट की व्यवस्था दे दीजिए, मुझे दक्षिणा भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु जी का आदेश था कि एक बार भागवत कथा की होनी चाहिए। पिछले 5 साल पहले यज्ञ हुई थी, सो हमने किया। क्या हमने गलती किया करा के, बताइए आप लोग। यज्ञ होनी चाहिए, यज्ञ होती है तब लाभ मिलता है। सीता जी के उस चरित्र से सीखिए, जब रावण हर करके सीता जी को ले जाता है, लंका की सबसे सुंदर नगरी है, जगह है अशोक वाटिका। बंधुओं माता जी लोग बेटियां ध्यान से सुनना, अशोक वाटिका में सीता को रखता है और सीता जी का पता लगाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं। और लिखा गया कि संत आपके घर में कब आएगा, मैं आपके घर में आऊं नहीं आऊं। कोई संत को अगर बुलाना है ना माता जी लोग, तो इस बात को लिख लीजिए। आज मैं जो बोल रहा हूं, सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज लंका में सीता जी का पता लगाने गए, घर घर जाने लगे लंका में, कहां कहां गए ध्यान दीजिएगा। बड़ी सुंदर कथा है, भागवत की कथा करती है। राजा परीक्षित ने पूछा, कन्याओं के विषय में तो सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं, सीता जी का क्या? हनुमान जी गए खोजने के लिए। सीता हमारे भारत की बेटी आज दूसरे देश में लंका में कैद है। हनुमान जी गए खोजने, क्योंकि हनुमान वह तेज है, कलयुग के प्रधान ही देव नहीं, जिनका प्रताप शिव जी विष्णु भगवान का प्रताप राम जी का त्रेता में हुआ, कृष्ण भगवान का प्रताप द्वापर में हुआ, और देवताओं का सतयुग में हुआ, देवियों का हुआ, लेकिन चारों युग में किसी का हो तो बताइए कोई है? चारों युग में किसका प्रताप है, कौन चारों युग में देवता रहा है? माता जी लोग बताइए, चारों युग में कौन देवता ऐसा है कि सबसे ज्यादा पूजा गया? चौपाई